अरुण जेटली के निधन से भारतीय क्रिकेट जगत भी गहरे सदमे में है। सियासत के अखाड़े से क्रिकेट की पिच तक अरुण जेटली का गहरा नाता रहा है। आज वही क्रिकेट की दुनिया जेटली की कमी को महसूस कर रही है। खिलाड़ी नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। जेटली जितने मजे हुए राजनेता थे उतने ही बेहतरीन क्रिकेट प्रशासक भी रहे और दिल्ली में क्रिकेट के बीच उनका खासा नाता रहा है। दिल्ली में जन्मे अरुण जेटली ने दिल्ली से भारतीय क्रिकेट को ऐसे बेशकीमती नगीने दिए जो आज क्रिकेट के आसमान में अपनी अलग ही चमक बिखेर रहे हैं। अरुण जेटली ने 13 साल दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर काम किया। साल 1999 से लेकर 2012 तक जेटली DDCA के अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्होंने दिल्ली से जुड़े कई क्रिकेट खिलाड़ियों की प्रतिभा को पहचाना और आगे बढ़ने का मौका दिया। विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, ईशांत शर्मा, शिखर धवन, ये वो खिलाड़ी हैं जेटली ने जिनके हुनर को न सिर्फ पहचाना और निखारा बल्कि हर मौके पर इनकी मदद के लिए खड़े भी हुए। 99 में वो हमारे यहाँ अध्यक्ष बने थे और 2013 तक वो अध्यक्ष रहे हैं। उस रिजीम में हमारे इंडिया के लिए 5-5 प्लेयर देश के लिए फर्स्ट 11 में खेले हैं। वो उन्हों का ही प्रशासन था, उन्हों को ही पता था कि कैसे ग्राउंड रूट से बच्चों को उठाना है और कैसे खिलाना है। वो कितने ही बड़े हों लेकिन अंडर 14 से लेकर रणजी ट्रॉफी तक एक एक बच्चा उनके टिप्स पे याद रहता था, एक एक बच्चे की परफॉर्मेंस उन्हें याद रहती थी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम अरुण जेटली के सम्मान में काली पट्टी पहनकर मैदान में उतरी। कोहली ने जेटली को याद करते हुए एक भावुक ट्वीट किया। कोहली ने अपनी पोस्ट में लिखा, श्री अरुण जेटली जी के निधन की खबर से हैरान और दुखी हूँ। वो वास्तव में एक अच्छे इंसान थे और हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहते थे। 2006 में मेरे पिता का निधन हुआ था, तब वो अपना कीमती समय निकाल कर मेरे घर आए थे और अपनी संवेदना व्यक्त की थी। उनकी आत्मा को शांति मिले। विराट ही नहीं, वीरेंद्र सहवाग, शिखर धवन, ईशांत शर्मा, VVS लक्ष्मण सहित कई और दिग्गज क्रिकेटरों ने भी जेटली को याद करते हुए शोक व्यक्त किया। जेटली का क्रिकेट से नाता कितना गहरा था उसका एक सबूत दिल्ली का ये तालकटोरा स्टेडियम भी है, जिसको इस मुकाम तक लाने वाले भी जेटली ही थे। क्रिकेट जगत की बहुत बड़ी क्षति है, क्षति नहीं, जो आज ये स्टेडियम देख रहे हैं। आज तो क्रिकेट में हिंदुस्तान में बहुत पैसा हो गया है। जब उन्होंने ये स्टेडियम बनाया था तो आम आदमी सोच भी नहीं सकता था कि दिल्ली के अंदर ऐसा स्टेडियम, इतना बड़ा स्टेडियम बन सकता है। थोड़े थोड़े कामों के लिए काम रुकता था लेकिन उन्होंने स्टेडियम शुरू करने के बाद काम नहीं रुकने दिया। उन्होंने कॉर्पोरेट बॉक्स का कॉन्सेप्ट आज जो लोग कर रहे हैं उन्होंने आज से 20 साल पहले शुरू कर दिया था। जेटली के क्रिकेट से लगाव को उनके सियासी साथी भी याद करते हैं। कपिल सिब्बल भले ही उनके सियासी विरोधी रहे हों लेकिन क्रिकेट की पिच पर ये दोनों एक दूसरे के जोड़ीदार रहे, जिसकी तस्दीक करती है ये तस्वीर। अब ये एक और तस्वीर देखिए जो बताती है कि क्रिकेट से जेटली का लगाव अक्सर उन्हें अपने सियासी विरोधियों के साथ भी खड़ा कर देता था। ये तस्वीर 13 मार्च 2004 की है। भारत और पाकिस्तान के बीच कराची में वनडे मैच था। इस मैच को देखने के लिए अरुण जेटली, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा कराची गए हुए थे। अरुण जेटली अब हमारे बीच नहीं है लेकिन क्रिकेट से उनका ये लगाव शायद ही कोई क्रिकेट खिलाड़ी और क्रिकेट प्रेमी कभी भूल सकेगा। टीम न्यूज़ नेशन।